कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, इट कैन बी एनी इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी अ रिटन मीडियम इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी अ विजुअल मीडियम इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी अ प्रिंट मीडियम इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी अ पिक्चर, पोस्टर, एनीथिंग. अब हम वीडियो एडिटर हैं तो हमें विजुअली अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कन्वे करने के लिए ऑडियंस को. तो ऑडियंस क्या देख रही है तो वो हम विजुअली क्रिएट करते हैं. अब एडिटर्स वो भी होते हैं जो प्रिंट मीडिया में होते हैं, जो न्यूज़पेपर छापते हैं. अब वो भी तो आप कई बार देखो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ो तो नीचे लिखा होगा एडिटर या एडिटेड बाय. इसने इन्फॉर्मेशन को एडिट किया है आपको कन्वे करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रोसेस किया उस इन्फॉर्मेशन को. सो दैट इज बेसिकली जॉब ऑफ एन एडिटर. फिल्म एडिटिंग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस. आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, एन नंबर ऑफ शॉर्ट्स. फिर आप उन शॉर्ट्स को टाइमलाइन पे लेके आते हैं, फिर उसको देखते हैं, पहले उनका ऑडियो मैच करते हैं वीडियो के साथ. फिर ऑडियो मैच करने के बाद, क्योंकि शूट में क्या होता है कि कैमरा से ऑडियो भी आजकल डिजिटल फॉर्मेट तो आता है, पहले के ज़माने में ऑडियो रिकॉर्ड अलग से ही होता था. तो क्लैप जब होती थी उसके साथ साउंड मैच करके सिंक्रोनाइजेशन होती थी. अभी क्या है, कैमरा भी रिकॉर्ड करता है, बट कैमरा के साथ साथ लोग लैपल्स भी लगाते हैं ताकि बेटर साउंड आए. जब हम ऑफलाइन कॉपी भी अगर फिल्म की देखते हैं तो वो साउंड को भी हम मैच करते हैं ताकि हमें क्लियरली सुनाई दे कि एग्जैक्टली कैरेक्टर बोल क्या रहा है. बिकॉज अगर हम जो फिल्म देख रहे हैं डबिंग पे तो जब जाएगी, जब आपकी फिल्म फाइनल हो जाएगी कि हाँ दिस इज द फाइनल फिल्म. अब एज एन एडिटर मेरा रोल ये होता है कि मैं फिल्म का ऑफलाइन कॉपी क्रिएट करूँ पूरी पिक्चर की, और वो कॉपी का मैं EDL XML प्लस ऑफलाइन कॉपी, अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो EDL XML और ऑफलाइन कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं ग्रेडिंग स्टूडियोज को, तो वो लोग ग्रेडिंग करते हैं. क्योंकि हमारी ऑफलाइन जो होती है वो लो रेजोल्यूशन है मूवी होती है, हाई रेजोल्यूशन है मूवी नहीं होती है. अगर हम हाई रेजोल्यूशन पे एडिट करेंगे तो हमारे सिस्टम हैंग हो जाएंगे. तो हाई रेजोल्यूशन पे कलर ग्रेडिंग होती है. तो जो हमने पोर्शंस यूज किए हैं फिल्म में से, जो जो शूट हुआ है उसमें से जो जो पोर्शन यूज किए हैं, केवल उतने ही पोर्शन DI स्टूडियो एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द मेन रॉ फाइल्स. वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर वो कलर ग्रेडिंग करते हैं. ऑफलाइन कॉपी वो साथ में रखते हैं मैच करने के लिए कि कोई भी फ्रेम आगे पीछे नहीं हो रहा. बिकॉज उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अब ये जो ऑफलाइन कॉपी है दैट इज द मेन फिल्म, आपको इसको ही फॉलो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट, आप नहीं बोलते चलो एक फ्रेम तो आगे जा रहा कोई बात नहीं, बट एक फ्रेम से बहुत गड़बड़ होगी. क्या गड़बड़ हो सकती है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा. बिकॉज जो मैंने ऑफलाइन कॉपी इनको दी है वही ऑफलाइन कॉपी मैंने दी है ऑडियो स्टूडियो को. ऑडियो स्टूडियो में क्या होता है, अब ऑडियो स्टूडियो वाले क्या करेंगे, जो डबिंग स्टूडियो होता है वो डबिंग करवाएंगे, फिर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक करेंगे उस कॉपी पे, सेम उसी चीज पे जो ऑफलाइन मैंने DI वालों को दी है, जो डबिंग को दी है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक को दी है, जो फॉले को दी है, तो फॉले वाले भी उसी पे ही वर्क करेंगे. तो ये सब लोग उसी कॉपी पे वर्क कर रहे हैं. तो अगर वो कॉपी बाई चांस कोई बंदा अगर वापस से कन्वर्ट करता है अपनी मशीन में जाके और थोड़ा सा भी फ्रेम रेट का फर्क पड़ जाता है तो फिल्म कभी भी मैच नहीं होती है. वो जो ऑफलाइन कॉपी है हर एक बंदे को जो दी जाती है उसको एज इट इज यूज करनी पड़ती है और वही उनके लिए फाइनल फिल्म है. अब उसके ऊपर सारे काम होते हैं, डबिंग होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, फिर उसके बाद फॉली होता है, फिर जाके वो मिक्सिंग में जाता है जहाँ पे डॉल्बी सराउंड साउंड किया जाता है 7.1 5.1 जो भी रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से वो की जाती है. एंड फिर एट द एंड ये सब चीजें मिलाई जाती है जब DCP क्रिएट होता है. सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो इसको समझाने के लिए इट्स गोना बी अ वेरी बिग एपिसोड. तो सून मैं वो चीज भी लेकर आऊंगा. पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बेसिक्स टू द हाई एंड थिंग, कि हम उस फिल्म को कैसे एडिट करके कैसे हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. मैं आपको स्टूडियो टूर भी कराऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि DI कैसे होता है. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए.